ने ऑडिशन दिया और जगदीश जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको वो ऑडिशन बहुत पसंद आया। वो पहले चाह रहे थे किसी और को उस रोल में लेना, लेकिन जब उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा तो उन्होंने कहा, नहीं सुमित, मुझे तुम ही चाहिए डॉक्टर ब्रेंडन डिसूजा के लिए। तो मैंने कहा, सर मैं शो कर रहा हूँ आप। तो उन्होंने कहा, डोंट वरी, वी विल मैनेज, वील एडजस्ट, एंड ही डिड। आई मीन आई थैंक हिम, मैं उसका उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जो एक अगर मूवीज़ को देखा जाए तो एक न्यू कमर हूँ, मेरे लिए उन्होंने एडजस्ट किया, डेट्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए और मुझे ये मौका मिला ये फिल्म करने का जिसका नाम बम्बू है। किरदार में काफी शेड्स हैं। बिल्कुल, बहुत शेड्स हैं। वो एक मेरे हिसाब से एक आम इंसान है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, बस थोड़ा जल्दी और आगे बढ़ने के मोड में अगर किसी को थोड़ा दुख पहुंच जाता है या तकलीफ हो जाती है तो वो शायद मुड़ के देखता नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए आज के इंसान की एक ट्रेजेडी है कि हम दिन भर दिन अपने अपना कंपैशन कंपैशन जो है दूसरे के लिए, वो जो एक थोड़ा सा सद्भाव जो होता है वो भूलते जा रहे हैं। और वो इस आदमी की ट्रेजेडी भी है। इस आदमी की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो एक बीवी चोर है, छिछोरा है, जो मेरे हिसाब से हर मर्द में थोड़ा होता ही है। अब ये शायद वो इंसान है कि बोले, 1 मिनट हनी, मैं उससे बात करके आता हूँ। उस तरह का आदमी है ये। इसकी सबसे बड़ी गलती शायद ये हो गई कि उसने पिंकी पंजाबी जो है, जो इसके पास साइकेट्रिक हेल्प के लिए आई थी, मदद के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास, इसने उसको ये यकीन दिला दिया कि आप अपने पति के साथ नहीं लेकिन मेरे साथ खुश रहेंगी, चलिए गोवा चलते हैं। तो ये बीवी चोर है, इसने इस फिल्म की सबसे पहला बम्बू किया हुआ है सुरेश सुधाकर का, जो इसमें मेन कैरेक्टर जो है सुरेश सुधाकर, जो एक जर्नलिस्ट है। वो बेचारा वैसे ही उसको मुश्किल से एक खूबसूरत लड़की मिली थी उसकी ज़िंदगी में जिससे उसने शादी की, और इसने आके उसका बम्बू कर दिया।